हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टेक। गाइस एक्चुअली मैं आप लोगों को हमारा जो लास्ट वर्ड था उसका जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो लास्ट वर्ड ओवरलुक था वो लास्ट वर्ड था उसमें हम लोगों ने 99.95% मतलब आए थे उस लास्ट वर्ड में, लेकिन 1% से हम लोग जो वो हार गए हुआ। ऐसा क्यों हुआ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लास्ट ओवर में हम लोगों का जो वो लग था वो अच्छा था, लेकिन लास्ट ओवर में हम लोगों ने बहुत कोशिश किए थे क्योंकि हम लोगों को मतलब 60 स्टार मिले क्योंकि ओपोनेंट बहुत ही टफ था। इसीलिए हम लोगों ने बहुत ट्राई किए थे कि हम लोग 60 स्टार मिले, क्योंकि ओपोनेंट का जो मतलब 7, 8, 9 वापस आया 1009 बेस था। सो 1009 बेसिस पे 1008 बेसिस का अटैक करना मतलब इतना इजी होता है, इजी था मतलब इतना भी मतलब वो नहीं था। लेकिन उन लोगों का जो ट्रूप था वो ड्रैगन मैक्स था, ड्रैगन टाउन 9 का जो लेवल 4 ड्रैगन मैक्स होता है वो मैक्स ड्रैगन था, इसलिए उन्होंने मतलब हम लोगों के पास अच्छी तरह से मतलब इजीली हम लोग पे अटैक कर सकते थे। इसलिए हम लोगों को भी 60 स्टार लाने थे तो, लेकिन हम लोगों ने क्या किया मतलब हम लोगों का ओवर सही जा रहा था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ हमारा बैकअप तक उसके बाद भी हमने नंबर 5 पे जो अटैक किया, हमारा नंबर 4 ने अटैक किया तो वहाँ पे 99.99% आ गया, तो मतलब 1% की वजह से छूट गया। हमारा जो नंबर 1 अटैकर था वो बहुत अच्छा हॉग अटैकर है, लेकिन इस वॉर में उन्होंने हॉग अटैक नहीं किया था क्योंकि वॉर जितने थे तो हॉग अटैक इस बेस पे नहीं आता है, तो इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस कर करके मतलब वो कोई दूसरे अटैक किया था। तो एक्चुअली ये 1008 का मैक्स बेस है, एक्चुअली मैक्स बेस में मतलब हॉग अटैक ऐसे ही मतलब कॉम्पैक्ट बेसिस में नहीं होता है। कॉम्पैक्ट बेसिस मतलब जो मतलब डिफेंस बिल्डिंग के बीच में बहुत जगह होते हैं तो बहुत स्पेसेस होते हैं, तो ऐसे बेसिस में मतलब वो हॉग अटैक नहीं आते, इसलिए उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे हॉग अटैक नहीं करूँगा, मैं दूसरा अटैक करूँगा। तो दूसरा अटैक उन्होंने क्या किया वो पैक्का अटैक किया था, तो वो मेरे बेस पे और हमारे जो टाउन हॉल मैक्स प्लेयर बेसिस है तो वहाँ पे प्रैक्टिस करके यहाँ पे अटैक किया था। तो मैं आपको इसका अटैक दिया था, बहुत मतलब कोशिश की थी हमने ये ओवर जीतने के लिए लेकिन नहीं हो पाया। इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो नंबर फाइव बेस पे हम लोग ने 99% लाए, वो बहुत ही मतलब फैला हुआ बेस था और ऐसी बेसिस पे मतलब कॉर्नर चेक करना बहुत ज़रूरत है, लेकिन नंबर 5 ने जो अटैक किया था वहाँ पे कॉर्नर उसने चेक किया था, कॉर्नर चेक करने के बाद भी मतलब वो एक कॉर्नर छूट गया लास्ट में क्योंकि बहुत बड़ा बेस था और ड्रैगन मतलब वो ही नहीं, ड्रैगन इम्पोर्टेंट ड्रैगन थे। तो ये अटैक देख लीजिए, ये अटैक अच्छा अटैक था, मैंने मतलब बहुत कोशिश किए थे कि वॉर जीते हम लोग। इसलिए मतलब ऐसी जब तक ओपोनेंट अगर टफ हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप अटैक जरूर रखिए, अगर बैकअप अटैक आपके पास होता है तो इजी होता है, अगर बैकअप अटैक आपके पास नहीं होता है तो मतलब वर्ड जितना मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लास्ट में जो आपके पास अच्छे अटैकर्स है अगर वो स्टार नहीं लाए तो आपका फेल भी हो सकता है। इसलिए आप ट्राई कीजिए कि आपके पास बैकअप अटैक्स हो। हमारे पास बैकअप अटैक्स है लेकिन फिर भी हम लोगों ने मतलब लास्ट जो बेसिस थे मैंने आपको बोला है बहुत एक मतलब इजी बेस नहीं था और हमारा जो नंबर 1 अटैकर नंबर 2 नंबर 3 तीनों का मतलब अटैक ख़त्म हो गया था, तो लास्ट पे बचा नंबर 4 हमारे बहुत अच्छे अटैकर से था, मतलब एक मैक्स नहीं है फिर भी अच्छे ड्रैगन अटैकर है, तो उन्होंने ट्राई किया था लेकिन 99% से वो छूट गया। तो मैं आपको वो अटैक भी दिखाऊँगा। तो ये था 3 स्टार अटैक। तो मैं आपको आप वो नंबर 5 का जो अटैक है वो दिखाता हूँ। नंबर 5 पे हमने अटैक किया नंबर 4 ने, इसका अटैक अच्छा था। अब ये बेस देखिए पूरा एकदम कॉर्नर तक मतलब
फैला हुआ बेस है, तो इजी नहीं होता है ऐसे बेसिस पे ड्रैगन अटैक करना, क्योंकि ड्रैगन का पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो इसीलिए ट्राई कीजिए कि कॉर्नर हमेशा मतलब क्लियर कीजिए फर्स्ट। मैं नहीं बोलूँगा कि कॉर्नर क्लियर करना भी इतना आसान होता है, इन्होंने भी कॉर्नर से स्टार्ट किया था आप देख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर एक ड्रैगन होता तो शायद ये क्लियर हो जाता, लेकिन ऐसे भी नहीं बोल सकते क्योंकि बेस मतलब पूरा मैक्स बेस है, तो कुछ भी हो सकता है। 9 ड्रैगन्स चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उसका सीसीज में जो ड्रैग था वो लेवल 5 का ड्रैग था, लेवल 5 ड्रैग को मारने के लिए लेवल 3 ड्रैग 2 चाहिए होता है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ से मतलब सारे ड्रैगन डाल दिए उसके साथ बलून्स ट्राई किए थे। ये देखिए अभी यार कॉर्नर से मतलब साइड का जो बिल्डिंग्स है ट्राई किया था साइड का बिल्डिंग्स मतलब क्लियर करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो लास्ट जो ये वाला मतलब बिल्डर हाथ था वहाँ पे ड्रैगन्स नहीं पहुँचे इसीलिए। और जो ये एक्चुअली आप ट्राई कीजिए कि एयर स्वीपर के पीछे से मतलब अटैक करने की ट्राई कीजिए, लेकिन अगर एयर स्वीपर क्योंकि एयर स्वीपर बहुत प्रॉब्लम करता है ऐसी बेसिस पे, एयर स्वीपर की वजह से मतलब ये बलून्स 8-17 तक नहीं जा पाया, नहीं तो अगर चले जाते तो शायद कुछ होता। कोई बात नहीं, ऐसे मतलब हारना जीतना तो होता ही रहता है, आप नहीं बोल सकते आप हर बार आप ही जीतेंगे, ओपोनेंट कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो वर्ल्ड था मतलब 10 मैचों से हम लोग वॉर नहीं हार रहे थे, कंजन से वॉर जीत रहे थे, और किंग का भी एबिलिटी मतलब इन्होंने ख़त्म किया था पहले ही, तो इसलिए हम लोग बैड लक भी कह सकते हैं। और नहीं तो मतलब अटैकर से ये हमारा नंबर 4 का जो अटैकर है वो अच्छे ड्रैगन अटैकर है, तो कोई बात नहीं मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है ऐसी, मतलब अगर आप वॉर जीते जीते अगर 91% से अगर वॉर हारते हैं तो इसीलिए। अगर एक या दो सेकंड होता तो मतलब वो और हम लोग जीत जाते। तो थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक या शेयर ज़रूर कीजिए, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो उसको एक बार ज़रूर दबाइए, मेरा जो चैनल है वो ग्रो होगा और मैं आपके लिए इससे भी अच्छे से वीडियो ला सकूँगा। ओके थैंक यू गाइस।